let f x is equal to 1 by 2 minus tan pi x by 2, and where x is between minus 1 to 1, and gx is between square root of 3 plus 4x minus 4x square, then the domain of f plus g is equal to. तो क्लियरली अगर हम देखेंगे तो एफ एक्स का तो डोमेन हमें क्या गिवन है कि x कहां से कहां तक है, x belongs to four function f, x is from minus 1 to 1, है ना. लेकिन हमें g के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो g का पहले हमें डोमेन कैलकुलेट करना पड़ेगा. सी f plus g का डोमेन क्या होगा, f plus g का डोमेन होगा डोमेन ऑफ f, तो यहां से बोल सकता हूं मैं डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, क्योंकि दोनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए तभी f plus g डिफाइन होगा. तो gx क्या है, gx is equal to square root of 3 plus 4x minus 4x square है ना. तो gx कब डिफाइन होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर इक्वल टू जीरो हो. तो ये सर जगह 3 plus 4x minus 4x square is greater than or equal to 0, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन हो जाएगी 4x square minus 4x minus 3 is less than or equal to 0. तो यहां से अगर मैं रूट के क्या देखूं है, लेस देन 0 है वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर्स होंगे 2 x minus 1, 2x, sorry, not minus 1, 2x plus 1 होगा, 2x plus 1 into 2x minus 3, ये से क्या जाएंगे, factors आ जाएंगे, और ये value होगी less than or equal to 0, तो यहां से अगर हम देखेंगे ये value less than or equal to 0, it means x की value कहां से कहां तक होगी, x belongs to between minus 1 by 2 to 3 by 2, तो let's say, अगर अब हमारे पास में g का डोमेन क्या था, माइनस 1 टू 1, और यहां से डोमेन है क्या, माइनस 1 बाय 2 टू 3 बाय 2, तो जो हमारा डोमेन होगा, सी 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम 1 इंक्लूड नहीं कर सकते. तो अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन पे, तो ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे यहां माइनस 1 है, माइनस 1 बाय 2 आएगा, देन 1 आएगा, देन 3 बाय 2 आएगा, तो आ गया माइनस 1, माइनस 1 बाय 2, देन 1, देन 3 बाय 2. तो अगर हम देखेंगे तो एक तो क्या है, माइनस 1 टू 1 है ऐसे, और ये भी इंक्लूडेड नहीं है, और ये भी इंक्लूडेड नहीं है, और एक क्या है दूसरा हमारा माइनस 1 बाय 2 से 3 बाय 2 पूरा इंक्लूडेड है. तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस 1 बाय 2 से 1 तक, जहां 1 इंक्लूडेड नहीं है. तो आंसर क्या जाएगा, जहां पे डोमेन ऑफ f + g इज x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 1 बाय 2 टू व्हाट, वेयर माइनस 1 बाय 2 टू 1. सी लेकिन 1 बाय 2 टू 1 बाय 2 तो क्या है, इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा. तो माइनस 1 बाय 2 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, और 1 पे आएगा ओपन ब्रैकेट. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, माइनस 1 बाय 2 टू 1.